जय माता दी। दर्शकों, जगत जननी माँ दुर्गा संपूर्ण संसार की जन्म देने वाली आदि शक्ति का ही अंश अवतार है। हिंदू धर्म में आदि शक्ति की तुलना उस परब्रह्मा से की गई है जो संसार के पालन करता है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि अन्य देवी देवताओं की तुलना में माँ दुर्गा की साधना अति शीघ्र फलदायी होती है। संसार में सबसे पवित्र रिश्ता माँ बेटे का होता है। उसी रूप में ही भक्त माँ दुर्गा की गोद में बैठकर साधना करने के भाव से उपासना करता है तो माँ अपने पुत्र के ऊपर कभी भी किसी प्रकार का संकट आने नहीं देती हैं, सारे संकट हर लेती हैं और उसे मनवांछित इच्छा की पूर्ति कर देती हैं। माँ दुर्गा की उपासना अपने मन में किसी भी तरह का छल कपट और बुरे विचार ना करते हुए सभी स्त्री व वर को, नारी को, पुरुष को प्रति सम्मान देते हुए अच्छा भाव रखते हुए करना चाहिए। आज हम आपको छोटा सा एक उपाय बताने वाले हैं जिससे आपकी धन धाने से तो पूर्ति होगी ही, लेकिन माँ भगवती आपकी हर इच्छाओं को पूरी करेगी। आपके जीवन में आ रही, आपके कार्यों में आ रही हर एक रुकावटों को रोकेगी। आपके जो भी कार्य सफल नहीं होते हैं उन्हें आपको सफलता दिलाएगी। यदि आप एक छोटा सा उपाय करते हैं नवरात्रि में किसी भी दिन, तो आपको माता रानी अति शीघ्र ही आपकी हर एक इच्छा पूरी करेंगी। माँ भगवती की उपासना द्वारा समर्पित फूलों को स्वीकार कर उनको धन धान्य और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं और माँ भगवती देवी को लाल रंग के फूल अति प्रिय हैं और इनमें से भी देवी को सुर्ख लाल रंग का गुड़हल का फूल बेहद ज़्यादा प्रिय है। मान्यता है कि माता को रक्त वर्ण का गुड़हल का फूल समर्पित करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि माता को गुड़हल का फूल उचित संख्या में चढ़ाने से कुंडली में समस्त ग्रह दोष का भी नाश हो जाता है। देवी को गुड़हल का फूल इसलिए भी प्रिय है, मान्यता है कि गुड़हल के फूल के शीर्ष भाग में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और निचले भाग में महेश निवास करते हैं। पुष्प के अंकुरण भाग में माँ दुर्गा स्वयं विराजमान होती हैं। देवी भागवत में कहा गया है कि माँ दुर्गा को गुड़हल के फूल अति प्रिय हैं, इसलिए जो भक्त गुड़हल के फूलों की माला बनाकर माँ को समर्पित करता है उसकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण हो जाती हैं। अंक ज्योतिष के अनुसार माता को समर्पित की जाने वाली फूलों की माला बनाते समय उनमें फूलों की संख्या खास ध्यान रखना चाहिए। तंत्र मंत्र साधना के अनुसार गुड़हल की फूलों की उचित संख्या मंत्राचरण करने के बाद सभी मुसीबतों को दूर किया जा सकता है। यदि आप एक गुड़हल का फूल भी माता को समर्पित करते हैं तो माता रानी अति शीघ्र आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। तो दर्शकों, माता रानी को लाल गुड़हल का फूल अवश्य चढ़ाएं, अपनी सारी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण हो जाएंगी। यदि आप माता रानी के और भी उपाय जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े अधिक से अधिक लोगों को भी जोड़िएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे ही कई उपाय हैं जो हमने हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाए हैं, उन उपायों को भी ज़रूर सुनिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी।